उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ के जंगल, गांव, पहाड़ियाँ, मंदिर, नदियाँ बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहलाग उत्तराखंड के रहस्य सीरीज 5 में आज हम माणा गांव के रहस्य के बारे में जानेंगे। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर है माणा गांव, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में से भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त, पाप मुक्त माना जाता है। इस गांव से जुड़ी हुई एक और मान्यता है, यहां आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। ये बड़ी वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों से भी प्रसिद्ध है। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इस गांव के बारे में जानता है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग को गए थे। यहाँ पर भीम पुल भी है, पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। भीम पुल के बारे में एक रोचक कथा है। जब पांडव इस मार्ग से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तब वहाँ दो पहाड़ियों के बीच खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई पाट कर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारत तिब्बत सीमा से लगे इस गांव के आसपास कई दार्शनिक स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा मुख्य हैं। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना करी थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। महाभारत और पुराणों को लिखते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा काफी बड़ी है, लेकिन गणेश गुफा थोड़ी सी छोटी है। माणा गांव में कड़ाके की ठंड पड़ती है। 6 महीने तक यहाँ बर्फ पड़ी रहती है। बर्फ से चोटियाँ ढकी रहती हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही गांव के लोग चमोली जिले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, यहाँ एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यहाँ साल भर ठंडा रहता है, लेकिन अप्रैल मई में जब यहाँ बर्फ पिघलती है, तब यहाँ हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ पर आलू, जौ, थापर की खेती बहुत होती है। इसके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। माणा गांव में ज्यादातर घर 2 मंजिले बने हैं। इन्हें बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। छत पटालों से बनी हुई है। इन घरों के ऊपरी मंजिल में घर के लोग रहते हैं, नीचे पशुओं को रखा जाता है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है, घर घर में शराब बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। माणा गांव में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा का बेस कैंप भी है। उस समय पहले तक यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ सभी घरों में बिजली है और सभी घरों में गैस के कनेक्शन भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारत का आखिरी गांव कहा जाने वाला माणा गांव को अब देश का पहला गांव कहा जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ के आखिरी गांव वाले बोर्ड की जगह भारत का प्रथम गांव वाला बोर्ड लगा दिया गया है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले एपिसोड 6 में एक नया उत्तराखंड का रहस्य लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहलाग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उत्तराखंड की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।